हाय गाइस, वेलकम टू टॉली स्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन होटल्स कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे टारगेट क्या बन रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें इंडियन होटल्स कंपनी की, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें 7% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं वो 620 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन होटल्स के चार्ट की। फिलहाल जो आप चार्ट देख रहे हो या आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, हमें चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड के बाद इस रेंज में तकरीबन आप देखोगे मार्च महीने से जो कंपनी के शेयर प्राइस हैं इसी रेंज में ट्रेड करते हुए हमें, मतलब कि इसी रेंज में दिखाई दे रहे थे। यानी कहीं ना कहीं हमें एक रेक्टेंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद यहाँ हमें तकरीबन अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर प्राइस अपने सपोर्ट लेवल पर आए और यहाँ से रिवर्सल हमें दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अच्छे खासे वॉल्यूम स्पर्ट के साथ, यानी अच्छा खासा हमें वॉल्यूम एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये जो शेयर है भागने के लिए तैयार हैं, तो आपको इस स्टॉक को अपने रडार पर रखना है। फिलहाल जो हम अपना पहला टारगेट लेके चल रहे हैं वो 660 का लेके चल रहे हैं, क्योंकि अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। सीधा सीधा टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में 660 का मिल रहा है। अगर ये लेवल हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देता है तो अच्छी खासी तेजी आने वाले दिनों में इंडियन होटल्स के शेयर प्राइसेस में संभव है। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पर जरूर रखें। एक चीज़ और, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।